स्वागत है आप सभी का विविध भारती की रंगोली में। स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और जी श्याम का नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं गीतों का सिलसिला। सिलसिला बिना किसी भूमिका के, बस सीधे गीत। हा? जी हाँ, क्योंकि हमें घूम फिर कर आना तो गीतों की ओर ही है। तो गीतों की ओर ही आना है, तो बताइए कौन सा गीत पेश करने वाले हैं आप? एक अनोखी फिल्म है और एक अनोखा गाना है, चलिए देख लेते हैं। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। रेणु जी, जी आप चाहती थी ना कि गानों के अलावा भी हम कोई और बात करें? बिल्कुल चाहते तो थे। तो क्या बताने जा रहे हैं बताइए? मैं बताने ये जा रहा हूँ कि हम ये जो अभी फिल्म का गाना हमने देखा,
ये बताएंगे आप। अरे अनोखी रात फिल्म का ये गीत था भाई जो अभी हमने देखा। मैं जो है गीत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अनोखी रात फिल्म का। क्या और बात यह है कि इसका निर्देशन किया असित सेन ने। 1968 की ये फिल्म थी और ये एक रात की कहानी है। ओ, इसीलिए इस फिल्म का नाम है अनोखी रात, है ना? जी हाँ। और इसकी खासियत ये भी थी कि इसमें जो सभी किरदार हैं वो अपनी अपनी कहानी कहते हैं और कहानी का विषय होता है गरीबी और समाज में महिलाओं की स्थिति। जी श्याम जी, लेकिन 1968 से अगर हम बात करें तो आज भी गरीबी की बात करें या समाज में महिलाओं की स्थिति की, लगभग वैसी ही है। आज विषय उतना ही प्रासंगिक है, कोई बदलाव नहीं आया। जी हाँ, ये बात तो है। लेकिन चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो अगला गीत हम क्या पेश करने वाले हैं और क्या बात आप बताने वाले हैं ये बताइए। अनोखी रात की तो बात हमने कर ली, इसको साथ में लेकर इसके साथ आगे बढ़ते हुए आइए अब बरसात की बात करते हैं। तो पहले गीत देख लेते हैं। Did enough.
लफ्जों में पुकार यूं मेरा गम मिल न सके हाय मिल न सके हम मिल न सके हाय मिल न सके हम श्याम जी जी, बरसात फिल्म का गीत तो हमने दिखा दिया दर्शकों को, अब आप ये बताइए कि इस फिल्म को लिखा किसने, कहानी किसने लिखी? कहानी जो है नहीं याद आ रहा है याद नहीं। बरसात फिल्म लिखी रामानंद सागर ने, और श्याम जी सब जानते हैं हमारे दर्शक कि रामानंद सागर घर घर में चहेते हो गए रामायण धारावाहिक बनाकर, है ना? और ये वही फिल्म है बरसात जिससे राज कपूर की जो टीम है वो बनी, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी। जी हाँ श्याम जी, जब आपने टीम की बात कही तो अनोखी रात फिल्म जो हमने जिसका गीत अभी हमने दिखाया दर्शकों को, उनको ये भी बता दें कि इसकी कहानी, अनोखी रात फिल्म की कहानी ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद कुमार के साथ मिलकर लिखी थी। वाह क्या बात है, आपने बहुत जानकारियाँ दी, और सबसे खास बात यह है कि आपके पास फिल्मों की मालूमात बहुत है और आपको याद भी खूब रहता है। याद तो भाई हमें ये भी है कि दर्शकों बहुत देर से हम बातें कर रहे हैं, अब एक गीत पेश करना चाहिए। जानू जानू रे कहे खन के है तोरा कंगना, जानू जानू रे कहे खन के है तोरा कंगना, मैं भी जानू रे छुप के कौन आया तोर अंगना, अरे जानू रे छुप के कौन आया तोर अंगना, मैं भी जानू रे। इंसान जाग उठा, इस फिल्म का गीत अभी हमने देखा। जी हाँ, और ये जो
बड़ा प्यारा सा मीठा मस्ती भरा ये गीत, मजा आ गया देखकर भाई। जी हाँ, इसे गाया गीता दत्त और आशा भोसले ने, लिखा शैलेंद्र ने और इसकी धुन जो है वो बनाई सचिन देव बर्मन ने। और श्याम जी, लगभग इसी नाम से राकेश रोशन ने भी तो फिल्म बनाई ना। जी हाँ, उसके बारे में आज की पीढ़ी तो जानती ही होगी, लेकिन आप इस फिल्म के बारे में बताइए कुछ। किस्से कहानियों में बड़ा मजा आ रहा है श्याम जी आपको। जी बहुत। चलिए बता देते हैं, वैसे हमारे बहुत सारे दर्शक जानते भी होंगे कि इस फिल्म के निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत और गीत में जो किरदार दिखाई दे रहे हैं मधुबाला, मीनू मुमताज और हास्य अभिनेता सुंदर। मीनू मुमताज यानी महमूद साहब की बड़ी बहन। जी हाँ। चलिए ये तो हो गई जानकारी के बाद श्याम जी, भाई अगला गीत हम पेश करते हैं शक्ति। अजनबी फिल्म का ये गीत, संगीत दिया आर डी बर्मन ने। जी हाँ, और आर डी बर्मन जो हैं शक्ति सामंत के पसंदीदा संगीतकारों में थे। लेकिन अनुरोध फिल्म में संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ऐसा क्यों? देखिए सच्चाई तो वही लोग जाने, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दोनों में कुछ मतभेद हो गया
और अनुरोध फिल्म का संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय। हो भी क्यों ना, क्योंकि उनकी तुलना जो है आर डी बर्मन से होने वाली थी। ये चुनौती तो चुनौती थी ही, उसके साथ साथ शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना के साथ कास्ट किया सिंपल कपाड़िया को, ये भी बहुत बड़ी चुनौती थी। अब आप सोच रहे हैं कि क्यों भाई, डिंपल कपाड़िया से तब तक शादी हो चुकी थी और दर्शक शायद ही उसको स्वीकार करते कि राजेश खन्ना अपनी साली के साथ स्क्रीन पर आए। कहने का मतलब यह है कि शक्ति सामंत जो है उस वक्त दो दो मोर्चे पर एक साथ लड़ रहे थे। लेकिन ऐसी लड़ाई, ऐसी चुनौती कभी कभी बहुत अच्छा परिणाम देती है और ये आप सबके सामने है। और अब आप भी समझ गए होंगे कि हम अनुरोध फिल्म का गाना आपको सुनवाने वाले हैं। आज आपने बिना भूमिका के कार्यक्रम शुरू करवा दिया, लेकिन हम छोड़ेंगे थोड़ी। छलिया फिल्म की बात करते हैं। जी की जी। 1960 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, पता है आपको? नहीं पता। 1960 में रिलीज हुई ये फिल्म आधारित है 1848 में लिखी हुई एक लघु कहानी व्हाइट नाइट्स पर आधारित है, और इसके लेखक फ्योडोर दोस्तोवस्की। क्या बात है, कहाँ कहाँ से लाती हैं आप ये जानकारियाँ? अरे सब जगह सोशल मीडिया पर मिलती है, जरा तलाशिए तो। लेकिन इस फिल्म की खास बात पता है क्या छलिया कि मनमोहन देसाई ने इसमें एक अपना पुट डाला, एक कहना चाहिए कि भारत पाकिस्तान विभाजन की एक कहानी को उसमें इस तरह से पिरो दिया कि एक नई कहानी बन गई और बहुत सुपर हिट फिल्म हो गई। और मुद्दा उसमें ये था कि पति पत्नी और बच्चे यानी परिवार बिछड़ा और बाद में फिर मिल गया, बस गए वो लोग, और इस तरह से ये छलिया फिल्म सुपरहिट फिल्म बन गई। तो चलिए छलिया फिल्म का ही ये गाना देख लेते हैं।
छलिया फिल्म, जब हम इसकी बात करते हैं तो आपने कहा कि बातों बातों में ये सुपर हिट फिल्म बन गई। हाँ, तो कुछ गलत कहा था क्या? नहीं नहीं, गलत नहीं कहा, मैं भी एक सुपर हिट फिल्म के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो इसलिए ये कह रहे हैं। चलिए बताइए, बताइए ना फिर। फिल्म डॉन की हम बात करते हैं। डॉन की। इसकी सफलता से प्रभावित होकर बाद में इसका रिमेक बना और फिर सीक्वल भी। जी, चंद्रा बारोट की फिल्म है ही इतनी दमदार, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ऐसा था कि चंद्रा बारोट जब अभिनेता ढूंढ रहे थे, मुख्य कलाकार ढूंढ रहे थे, तब सभी अभिनेताओं ने जो है इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और बाद में ये फिल्म मिली अमिताभ बच्चन को। जी, और बाद का पूरा किस्सा जो है वो एक इतिहास बन गया। ये तो सब जानते हैं। अब आइए देखते हैं इस फिल्म का ये गीत। श्याम जी, जी जब आज सुपरहिट फिल्मों की बात चल निकली है तो एक और बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म की बात करते हैं। कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं आप? जनवरी 1982 में रिलीज हुई फिल्म नदिया के पार। सुपरहिट फिल्म थी ये, बिल्कुल थी, लेकिन ये बहुत बड़ी फिल्म। मुझे पता था आप यही कहेंगे। ये फिल्म बहुत बड़ी नहीं थी, बहुत नामी कलाकार नहीं थे ज़रूर, लेकिन इसकी सफलता बहुत बड़ी थी। इसकी बातें, इस फिल्म के बारे में जो बातें हैं वो हम बाद में करते हैं, पहले ये गीत दिखा देते हैं, है ना?
रेणु जी जी, ये नदिया के पार फिल्म का गाना तो था नहीं। हाँ, हमने दिखाया ही नहीं, हमने दिखाया हम आपके हैं कौन इस फिल्म का गीत। पर क्यों? अरे भाई, इसलिए कि कहानी वही थी, बस शहरी रीमेक था उसका, यानी शहरी संस्करण नदिया के पार का था ना। जी बिल्कुल था। आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल रखता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये सुपरहिट फिल्म थी, और इस फिल्म ने फैशन की दुनिया में भी कह सकते हैं समाज में जो है बड़ा ही प्रभाव डाला और ट्रेंड सा बना दिया कपड़ों जी में। हाँ, माधुरी दीक्षित के कपड़ों की तो क्या बात है। आइए
क्या ख्याल है श्याम जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना, ये जो कपड़ा माधुरी दीक्षित ने पहना, यूं कहें कि सबके द्वारा पसंद किया गया और बहुत ट्रेंड में था उस समय, तो यही रंग, यही डिज़ाइन, सब कुछ। तो भाई देखिए, जब बड़ी फिल्में जैसे होती है ना, जैसे आपने कहा कि बड़ी फिल्में, उस समय के जो सबसे सफल हीरो हीरोइन होते हैं जब काम करते हैं, तो वही फिल्म बड़ी फिल्म हो जाती है ना? बिल्कुल होती है, और साथ ही साथ ये भी है कि जब वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करती है तो बरसों बरस लोग उसे याद भी रखते हैं और इस तरह की फिल्मों को बनाने के लिए आतुर भी हो जाते हैं जी। लेकिन अगर हम पारिवारिक फिल्मों की बात करें, जैसा कि हम आपके हैं कौन या नदिया के पार, तो इस तरीके की फिल्मों का एक अपना एक समाज है कह सकते हैं, और एक दर्शक है जो बहुत पसंद करते हैं, और इस तरह की फिल्मों को बनाने में राष्ट्रीय प्रोडक्शंस हम कह सकते हैं कि माहिर है। और जब सुपरहिट फिल्मों की बात चल रही है और राष्ट्रीय प्रोडक्शन की, अब कौन सा गीत दिखाने वाले हैं? हम साथ साथ हैं। जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया, जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया, राम जी बिहाने चले सीता मैया।
तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हम आपके हैं कौन। जी हाँ, हम हैं आपके मनोरंजन के साथी। अगले हफ्ते फिर आएगी विविध भारती की रंगोली। तब तक के लिए रेणु चतुर्वेदी और जी शाम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार। सतरंगी है ये अटखेली, रंगोली है ये रंगोली, सुरमई गीत।